ग्राम प्रधान के खिलाफ राशन डीलर के साथ दर्जनों लोगों ने उपजिलाधिकारी को प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चले, थाना शेरकोट तहसील धामपुर क्षेत्र के ग्राम हजीफाबाद सरकी में एक सप्ताह पहले पूर्व ग्राम प्रधान ने राशन डीलर के ऊपर आरोप लगाया था कि राशन डीलर राशन कम वितरण कर रहा है, लेकिन आज राशन डीलर के साथ दर्जनों ग्रामीण उपजिलाधिकारी से भेंट करने पहुंचे और इस संबंध में उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और ग्राम प्रधान हाय हाय, ग्राम प्रधान चोर है ऐसे नारे भी लगाए। राशन डीलर ने बताया कि ग्राम प्रधान उनसे हर महीने 5 कट्टे चावल और कुछ रुपए की लगातार मांग कर रहा है और इसी को लेकर उनकी गैर मौजूदगी में राशन डीलर की पत्नी के साथ ग्राम प्रधान ने अभद्र व्यवहार किया, जिसे लेकर आज राशन डीलर दर्जनों लोगों के साथ धामपुर उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। राशन डीलर का साफ तौर पर कहना था कि मेरे खिलाफ झूठी तहरीर दी गई, जिसकी जांच की जाए। ग्राम प्रधान राशन डीलर को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। नवभारत समाचार धामपुर जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? आज उप जिलाधिकारी को जो ज्ञापन देने आए हो, क्या है पूरा मामला? ये मामला यह है जी, ग्राम प्रधान जो हमारे यहाँ से जाने ये कह रहे थे 5x2000 महीने। आप राशन डीलर हैं? जी राशन डीलर हूँ मैं जी। मेरे खिलाफ झूठी तहरीर दी थाने में भी जी, और मेरे पीछे मारने को बगैर मुझे परेशान कर रखा कई दिन हो गए, और नहीं राशन बटन दिया इन्होंने और मेरे बच्चों के साथ में मारपीट करी उन्होंने। तो आपने इसकी शिकायत की है कहीं? शिकायत की थी थाने में जी, मगर पैसे के बल पर उन्होंने मेरी नहीं चलन दी, उन्होंने अपने भी चला रखी, मुझे परेशान कर रखा। नाम है आपका? मेरा नाम हेमराज सिंह। आप कहाँ के रहने वाले? आबिजावा सरकी का रहने वाला हूँ, राशन डीलर हूँ। आज जो उप जिलाधिकारी से मिलना है, क्या है पूरा मामला? सर मैं पिछले बार वितरण कर रहा था, मेरी दुकान पर आकर बैठे हैं 8-10 लड़के और जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे थे, मुझसे मेरे साथ बदतमीजी करी, 3 दिन राशन बटवाया उन्होंने, उसके मेरे राशन वितरण होने के बाद बाबू साहब बदतमीजी करी। तो क्या मांग करते हैं ग्राम प्रधान आप? या तो हर महीने 4-5 कट्टे दो, अन्य तो ऐसी तुम्हारी दुकान से सस्पेंड करा देंगे, नष्ट करा देंगे। गेहूं चावल मुकदमे में फंसा देंगे।